राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में नैनीताल के होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और बोट हाउस क्लब के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप अब स्थापना सुविधाओं की स्थापना से संबंधित चुनौतियों पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से चर्चा की गई और उनके सुझाव भी दिए गए। इस दौरान बैठक में राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल शहर उत्तराखंड के लिए एक धरोहर के रूप में है। यहाँ नैना देवी का आशीर्वाद व प्राकृतिक सौंदर्य देश व विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप अब स्थापना सुविधाओं में आ रही है, वहीं चुनौतियों से ये किस तरह निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाए। वहीं उन्होंने पद अधिकारियों से अनुरोध किया कि नैनीताल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एक मास्टर प्लान तैयार कर साझा करें, जिससे उनके सुझावों को शहर की बेहतरी के लिए योजना में शामिल किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग व ट्रॉली लगाने का विचार किया जाएगा। उन्होंने पद अधिकारियों से पर्यटन में मॉडर्नाइजेशन व वैल्यू एडिशन जोड़ने का भी सुझाव दिया।